नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपको बड़ी खबर देने जा रहा हूं। सबसे पहले खबर दे रहा हूं कि महागठबंधन में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। आपको पता है कि आरजेडी ने बिहार बंद का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस बिहार बंद से महागठबंधन के तमाम घटक दलों ने अपने को अलग कर लिया है। वामपंथी पार्टियों का कहना है कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, और जीतन राम मांझी का स्टैंड पहले से आपको पता है। मुकेश सहनी जी भी मेरे साथ हैं, जहां पर आज महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। और मेरे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस महागठबंधन में माइनस आरजेडी के सारे नेता होंगे, ये कितनी सच है? महागठबंधन का हो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन आरजेडी का कोई नेता नहीं आ रहा है, मुझे जो खबर है आरजेडी से। देखिए, महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, और अभी देखिए कि कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, ये तो हमको भी नहीं पता है। बाकी हमको जहाँ तक पता है, महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी यहाँ पे रहेंगे लोग। आएंगे किन किन लोगों को बुलाया है? सबको बुलाया है, आरजेडी को भी बुलाया है। हाँ, सब आरजेडी को भी बुलाया है। तो आरजेडी क्यों नहीं आ रही है महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस? मुझे नहीं मालूम है आरजेडी क्यों नहीं आ रही है। और महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो कार्यक्रम कल से लेकर 3 दिन तक लगातार बिहार में जो कार्यक्रम चलना है, उसके लेके अभी थोड़ी देर में आप लोगों को ब्रीफ कर दिया जाएगा किस तारीख को क्या क्या कार्यक्रम है। और अभी देखिए महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस, आरजेडी का बिहार बंद है, उससे आपने अलग क्यों अपने आप को रख लिया है? हमने अलग नहीं रखा है। हाँ, हमारा सपोर्ट है और हम लोग बंद में शामिल रहेंगे, मतलब अलग नहीं है। वाम दलों ने कहा है कि तेजस्वी के नेतृत्व तो स्वीकार नहीं है, आप भी गए थे मनाने? ठीक है, उनका अपना एक, क्योंकि अभी हमारे गठबंधन में नहीं है, वो अपना एक अपना राय रख सकते हैं, कुछ भी राय रख सकते हैं, तो ये उनका अपना राय है। बट गठबंधन का ऐसा राय नहीं है। गठबंधन का राय एक टेबल पर बैठकर हम लोग सब सुलझा लेंगे। जगतानंद ने कहा कि बिहार बंद में किसी दूसरे दल को उन्होंने न्योता ही नहीं दिया है, तो समर्थन ना समर्थन का कोई बात ही नहीं है, तो सही बात है कि आप लोगों को बुलाया नहीं गया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप शायद परसों का इंटरव्यू आपने, कल मैंने किया, परसों छोड़ दीजिए, परसों का आपने एनआई को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, क्लियर है कि महागठबंधन हम लोग मिलकर बंद कर रहे हैं, जगतानंद सिंह जी का स्टेटमेंट। और कल जो उनका बयान है कि हमने किसी को न्योता नहीं, मुझे नहीं मालूम है जगतानंद सिंह क्या बोले नहीं बोले, सबको क्या लेना देना। हाँ, बिहार बंद महागठबंधन कर रहा है, ये याद रखिए। यहाँ वामपंथी दल के लोग आए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे उन लोगों को नहीं बोला, निमंत्रण दिया गया। हाँ, उनके तरफ से निमंत्रण आया है, उन्होंने सहमति मांगा है कल का बंद के लेके, उसके लिए हम लोग अभी थोड़ी देर में निर्णय लेंगे। तो तेजस्वी यादव का प्रोग्राम तो 21 तारीख को है, अब 19 से आपका क्या है ये बताइए? 19 से हमारा कार्यक्रम होगा, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा ना, उसमें आपको सारे चीज जानकारी मिल जाएगी। आरजेडी से अलग कार्यक्रम है ना, आरजेडी महागठबंधन का कार्यक्रम है ये, माइनस आरजेडी। अभी कौन माइनस है कौन प्लस है वो हम नहीं देखिए, आरजेडी महागठबंधन का कार्यक्रम है। तो आपने देखा कि ये एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि महागठबंधन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकेश सहनी ने आयोजित किया है, इसमें आरजेडी के नेता शामिल नहीं होंगे, और 19 तारीख से ही महागठबंधन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ये कौन सा महागठबंधन है और कौन सा कार्यक्रम है जिससे आरजेडी अलग है? क्योंकि आरजेडी ने 21 तारीख से बिहार बंद का ऐलान किया है, और 19 तारीख से महागठबंधन के प्रेस में कार्यक्रम और आंदोलन की शुरुआत करने का ऐलान होगा। तो जाहिर है कि आरजेडी से अलग महागठबंधन की कल्पना की जा रही है। देखिए क्या होता है जब महागठबंधन का पीसी शुरू होगा, इसमें किस पार्टी के नेता पहुँचेंगे, उसके बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा। आपको एक खबर सबसे पहले दे रहा हूँ, अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है।